हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नायब सिंह सैनी के कैबिनेट ने तीन निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरा, पंचायतों में 8% आरक्षण ग्रुप ए के लिए था, इसके साथ ही अब ग्रुप डी को 5% आरक्षण मिलना आज से शुरू हो जाएगा। वहीं तीसरा, नगर निगम में ग्रुप बी के लिए 5% आरक्षण मिलना शुरू होगा और 8% चस्का तस रहेगा। वहीं तथा ग्रुप बी का भी 5% अधिक मिलेगा। ये तीनों निर्णय पीएम मोदी की नीति को लागू करने वाला है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नायब सिंह जी ने ये बीसी सम्मेलन में, ओबीसी सम्मेलन में, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हमेशा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। अब भाजपा का भाई एक कर्तव्य बनता है, जो कुछ किया है उससे ज्यादा करकर हम आपके पास आए। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने तीन निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। इससे बहुत बड़े हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी 5% ग्रुप बी के लिए शुरू होगा, 8% जस का तस रहेगा और ग्रुप बी का रिजर्वेशन 5% ज्यादा मिलेगा। भाइयों बहनों, ये तीनों जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति को लागू करने वाले।